कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग अमन, अपूर्व, आरती, शुभी, श्वेता, केशव, अखिलेश, अर्पित, ऋतिक, मुकेश, सृष्टि, अमित, अपूर्व, कनक, वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। अमित कुमार, थैंक यू सो मच बेटा, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा शुभम का नाम रह गया, शुभम, रूपेश, साहब सिंह, रवि, काजल, अपूर्व। बेटा कर चुका हूं ज्योग्राफी, आप उसको देख लीजिए पुरानी वाली, नया वाला तो अभी कम से कम 5-6 महीने बाद आएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया है, स्वागत है आज के सेशन में। अभिषेक कुमार मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? बेटा जरूरत नहीं है तो क्यों लेना, मतलब आपका कोर्स खत्म हो चुका है, आपके पास प्रॉपर पीडीएफ है, सारी चीजें समझ ली, तो फिर क्यों लेना, आप प्रैक्टिस करो बढ़िया से, है ना। दोबारा सब्सक्रिप्शन अगर कोई चीज रह गई हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई कुछ करना है तो लीजिए, अदरवाइज अगर आपका साल भर हो गया है पढ़ते पढ़ते फिर क्यों लेना, है ना। हाँ अगर कोर्स खत्म हो गया दोबारा सब्सक्रिप्शन केवल इसलिए नहीं कि अच्छा लग रहा है सबके साथ बैठ करके, ऐसा भी नहीं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, काम बन जाना चाहिए आपका, है ना। मधुर क्या लिख रहे हैं, सर मेरी सुनो, मैंने आपसे पढ़ के इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात है मधुर, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा आपको। शिखा लिख रही है, बहुत सारे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें, प्रकृति का सिद्धांत समझ करके इस घटना को लेना शुरू कर दो, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है शिखा, है ना। और ये नेचर का सेल्फ एडजस्टमेंट है, सेल्फ एडजस्टमेंट है, जैसे होता है ना कई बार अपन बैग में जब बहुत ज्यादा सामान भर लेते हैं तो फिर सामान को ठूंसना शुरू करते हैं कि अब तो सेट करना पड़ेगा, नेचर भी कुछ ऐसा ही कर रही है। नेचर इंसान के द्वारा जितने भी कहर बरपाए गए हैं उनको रीएडजस्ट कर रही है। अब नेचर का जो रीएडजस्टमेंट है थोड़ा सा दुखदाई होता है, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन इसे केवल इतना समझा जाए कि ये डार्विन का मतलब थ्योरी ऑफ फिटेस्ट है, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, जो बच जाएगा वो आगे सर्वाइव करके निकल जाएगा। और ये आज नहीं है, ये हमेशा होता आया है, और यहीं से आदमी को खुद की वैल्यू पता चलती है। इंसान सोचता है कि उसने सब कुछ बनाया है, लेकिन नेचर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिस दिन चाहूंगी, मेरे लिए तो एक जीव है मात्र, जैसे पेड़ है, जैसे चीटा चीटी है या कुछ भी है, वैसा इंसान है, है ना। और ये ज्यादा अच्छा है इंसान को यूनिवर्स में उसकी अहमियत बताना, क्योंकि इंसान कई बार यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली प्राणी होने का गुमान कर लेता है। उसको ये बताना कि हाँ भैया तुम भी केवल इसके पात्र हो, जैसे एक पेड़ है, जैसे एक भैंस है, गाय है, ऐसे इंसान है, वो अपनी संख्या बढ़ाया जा रहा है, बाकियों को मारे जा रहा है, तो फिर नेचर उसे एडजस्ट कर रही है। बस इतना समझ के मस्त रहो, अपना ध्यान रखो, है ना। लोकेश, सुबह 6:30 शाम 8:30। ऋषभ ऋषभ लिख रहे हैं, सर जैसा सुना था वैसे ही हैं आप, ये तो बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई कि साहब ये तो लड़का ढूंढने गए थे, ये तो वैसा ही मिला जैसे सोच के टीचर के साथ आप वैसी वाली बातें सोच रहे हो। बहुत बढ़िया, सर बहुत अच्छा बोल दिया, हमारी गलती की सजा मिल रही है। नहीं बेटा, मतलब नेचर है, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, इसके बाद जो मतलब ह्यूमन रेस निकल के आएगी वो और अच्छी होगी। आप सोच के देखो ना, इंसान तो कुछ नहीं है, डायनासोर नामक प्रजाति जिसके आज हम फॉसिल देख रहे हैं, एक जमाना था तब लोग सोचते थे कि कभी डायनासोर खत्म ही नहीं होंगे, डायनासोर के अब फॉसिल से मिल रहे हैं। डायनासोर का मतलब एक जमाना था, कहते हैं ना दौर था डायनासोर का, है जिसमें आप जुरासिक पार्क जैसी मूवियां बनाते हैं, लेकिन आप आज देखते हैं कि उसके केवल फॉसिल मिल रहे हैं। तो नेचर को जो भी चीज परेशान करती है नेचर उसे सेट कर देती है,
मदर नेचर, गॉड नेचर, ये बहुत बड़ी चीज है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी सिविलाइजेशन जिसमें कि कोई भी फॉल्ट नहीं था, आज उसके केवल और केवल रेलिक्स मिलते हैं, वो भी खुदाई करने पर। नेचर हर किसी का एडजस्टमेंट करती है ना। तो आप केवल इतना मानिए कि हाँ जीवन है, और इसको जितने दिन आपके हिस्से के हैं उसे पूरा करने की कोशिश करिए, और बहुत बेहतरीन और खूबसूरती के साथ करिए। और ये समय है, और ये कोई छोटी मोटी दौर नहीं है, ये जबरदस्त दौर है। ये आने वाला समय, आने वाला जमाना, ये आपकी फितरत को बदलने वाला दौर है। आप बहुत ज्यादा समझेंगे इस बात की गहराई बहुत ज्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो नेचुरल दौड़ है उससे साइड में हट जाएंगे, और वो सोचेंगे कि इस दुनिया की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं, बढ़िया सा जीवन बीते हैं। आपको मालूम है जब वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू हुआ, तो उसके बाद समाज में सबसे बड़ा अंतर क्या आया था? समाज हिप्पियों का समाज हो गया था। हिप्पी समझते हैं आप? आप में से इंडियंस तो हम लोग इस बात को जानते भी नहीं है हिप्पी क्या होते हैं, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं और मानते हैं। लेकिन हिप्पी हुआ करते थे कि जिन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, बस एक बैग पैक किया, पीछे बैग बांधा और बांध करके निकल लिए और दुनिया घूमते चले गए, मतलब उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, है ना। और आज हिप्पी कल्चर जो है वो काफी फेमस हुआ, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू ने लोगों को ये सिखा दिया था कि सब चीज खत्म हो सकती है, नास्तिक है, और यही अब होने जा रहा है। अब आने वाला समय आप देखना, बहुत सारे लोग जो है वो रेगुलर काम छोड़ करके इस पूरी दुनिया की केयर करने में लग जाएंगे, अपने जीवन को जीने में लग जाएंगे, खामखा का धन का कलेक्शन नहीं करेंगे, है ना। लोग जो पीछे भाग रहे हैं आपाधापी में, मैंने ये मकान खरीद लिया, मैंने ये गाड़ी खरीद ली, सब लोग केवल सुख से जीवन जिएंगे और निकलेंगे। है सोसाइटी, ये पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। आपसे अप्रैल 2020 से पढ़ रही हूँ, सारी ऑफलाइन क्लास देख पाती हूँ, घर भी संभालती हूँ, आपका बहुत बहुत आभार, एक अच्छे विचार और साहस दिया, मेहनत करके एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करूंगी, आपको थैंक यू कहने आई हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। शालिनी प्रेमी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सारा आशीर्वाद आप सबको, और ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करे। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज की यात्रा शुरुआत कर रहे हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अल्टीमेट टाइटल है, और ये इतना अल्टीमेट टाइटल है जिसको कभी वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन हम वैल्यू आज देंगे जरूर, है ना। और सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास के अंत में बाकी बातचीत हम कर लेंगे, फिलहाल के लिए अब आनंद लीजिए इस सब्जेक्ट के अंदर, इस चैप्टर का पर्टिकुलरली, जबरदस्त टाइटल है ये, है ना। हाँ भाई, एक विद्यार्थी ने, काजल शर्मा ने भी बहुत सारा लिखा है पॉइंट। बेटा एंड में काजल इस डाउट को दोबारा से लिख देना, है ना, जो भी बातें हैं सब लास्ट में लिख देना, आप पढ़ते हैं बेटा, है ना, बहुत ही अल्टीमेट चीज है। 40 मिनट सिंसियरली पढ़ लो, फिर बतियाएंगे, मेरे से 40 मिनट से ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है, शांति सुनो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, ये है क्या असल में, है ना, मतलब ये किस चीज की बातें करता है, तसल्ली से सुनना, केवल 40 मिनट, उसके बाद बतियाना है खूब सारा, ठीक है। सब लोग शांति से सुनोगे तो जबरदस्त टाइटल है, फीलिंग आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा देश चलता कैसे है, देश को चलाने के तरीके क्या है। देखिए होता क्या है ना साथियों, भारतवर्ष के निर्माण के समय मैंने आपसे एक बात कही थी जब अपन इस क्लास को शुरू कर रहे थे, और नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए, कौन सा आर्टिकल किसका है, ये सब चीजें आप अपने लेवल पर करते रहिए, ये मेरा पार्ट जो है ना, कहां से लिए गए, क्या किए गए, ये सब मैं नोट्स पकड़ा दूंगा, रट लेना। आयरलैंड से लिए गए कि इसमें ये समता मूलक है, ये समानता मूलक है, मैं आपको जो उद्देश्य है उसकी परिपूर्ति कर रहा हूँ, सब्जेक्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। रट्टालॉजी के लिए ल्यूसेंट पर्याप्त है, 250-300 रुपए की आती है, खरीदना और रट लेना, जो भी रटने लायक चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। तो अब मुद्दा क्या है साथियों, हमने बहुत सारी सरकारों को आते जाते देखा। मैंने आपको शुरुआत में जब कोर्स की शुरुआत हुई थी तब बताया था कि जब भारत आजाद हो रहा था तो आजादी के समय एक बस थी, उसमें एक रोडवेज बस थी, एक प्राइवेट बस थी, यानी एक सरकारी बस थी और एक निजी बस थी। तो वहां पर यह था कि सवारियां बाहर खड़ी थी, सवारियां जब बाहर खड़ी थी तो दोनों की बसों से आवाज आ रही थी, एक प्राइवेट बस का कंडक्टर चिल्ला रहा था, एक गवर्नमेंट बस का कंडक्टर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मेरे बस में आ जाओ ये सब मिलेगा, दूसरा कह रहा था मेरी बस में आ जाओ ये सब मिलेगा, तमाम प्रॉमिसेस किए जा रहे थे। हमने उस समय पर भारत और पाकिस्तान रूपी बस में से बैठने के लिए दो विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना था। दुनिया के मतलब इस पूरे हिंदुस्तान के अधिकांश हिस्से ने भारत नामक बस का चुनाव किया बैठने के लिए, कि भैया हमें इंडिया में रहना है, इंडिया दैट इज भारत में रहना है, क्योंकि यहाँ वाली जो बस है ये बहुत सारी सुविधाएं दे रही है और बहुत सारी सुविधाओं से हमें बहुत सारा लाभ होने वाला है। जब दूसरा देश यानी दूसरी बस भी कहने लगी कि ये सुविधाएं तो मैं भी दे दूंगा,
तो फिर बात आई नेताजी के भाषणों की, नेताजी के भाषण बोले तो चुनावी घोषणा पत्र की, चुनावी घोषणा पत्र बोले तो चुनावों में जिस प्रकार से नेता लोग वादे करते हैं कि अगर मैं आपका विधायक बनता हूं तो मैं इस जगह सड़क बनवा दूंगा, इधर लाइट लगवा दूंगा, यहाँ पानी की व्यवस्था कर दूंगा, शहर में कॉलेज खुलवा दूंगा, जिस प्रकार के वो वादे करता है वो वादे होते हैं भविष्योन्मुखी। अगर मैं बन गया तो ये कर दूंगा, बन गया तो ये कर दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बस में बैठते ही जो सुविधाएं मिलने के लिए दी गई थी वो तो थे मूल अधिकार। मतलब समझिएगा, जब आप बस में बैठ रहे थे तो बस में बैठते ही जो सुविधाओं का वादा कर दिया गया था कि बैठिए, बैठते ही मिल जाएगा, हर व्यक्ति को सीट मिल जाएगी, एसी चलता हुआ मिलेगा, सामने वीडियो चलता हुआ मिलेगा, बस तेज चलेगी और बढ़िया से, यहां पर सभी को बढ़िया से इज्जत मिलेगी, बच्चों को भी विंडो सीट मिलेगी, वगैरह वगैरह सारी बातें, वो तो थे मूल अधिकार जो बैठते ही मिल गए, जो तुरंत दे दिए गए। लेकिन उस बस में बैठने पर भविष्य में, यानी बस चलती रहेगी तो रास्ते में एक ढाबे पे रोका जाएगा, बढ़िया सा मिडवे होगा, वहां रोका जाएगा, सबको बढ़िया फाइव स्टार का भोजन कराया जाएगा, फिर वहां पर जितने भी लोग हैं उनकी थकान की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी, वहां पर बढ़िया मशीनें रहेंगी जिस पर आप अपना आराम फरमा सकते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से पूरा मनोरंजन की व्यवस्था होगी, आप जाएंगे तो आप वहां पर बढ़िया से फिल्म देख पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की जाएंगी। रास्ते में अगर कोई दर्शनीय स्थल आ गया तो फिर आपको रोक करके साइट सीन भी करवाए जाएंगे। ये सब भविष्य में की जाने वाली घोषणाएं थी जो दोनों बसों के ड्राइवर्स को करनी थी या कंडक्टर्स को करनी थी। तो भैया जो डीपीएसपी हैं, जब देश आजाद हुआ यानी कि ये बस चलना शुरू हुई थी, उस समय जो तुरंत दी गई सुविधाएं थी वो तो थे मूल अधिकार, लेकिन भविष्य में भी सुविधाएं दी जाने का वादा था, वो थे नीति निदेशक तत्व। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो हैं वो इस पॉइंट को समझ ही नहीं पाते कि ये है क्या असल में। ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, दिया तो जाना है, फ्यूचर में दिया जाना है, ये फ्यूचर कब आएगा ये नहीं पता। मतलब समझिएगा, देखिए मूल इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है बहुत अल्टीमेट चीज, लेकिन अल्टीमेट तभी है जब आप ये समझ पाए कि ये दिए कब जाने हैं। मतलब ये है कि ये भविष्य में दी जाने वाली चीजें हैं, लेकिन भविष्य कब आएगा ये नहीं पता। आपसे कहते हैं ना कई बार कि भैया कल हो जाएगा आपका ये काम, ये कल कब आएगा? क्योंकि जब आप कल खड़े होंगे, यानी कि अगले दिन खड़े होंगे, तब फिर कोई कह देगा कल आ जाएगा। यानी कि ये कल जो है ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। बिल्कुल वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे ना, तो संविधान बनाते समय उनसे पूछा गया कि भैया इंडिया में रहने वालों को क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में रहने वालों को तुरंत तो मूल अधिकार दे रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया, और फिर, और बोले आगे चल करके उनको हम देंगे नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से आश्वासन। बोले उन आश्वासन की पूर्ति के लिए क्या करोगे? बोले अब हम आपको एक बात बता देते हैं ताकि आपको भी परेशानी ना रहे। अब देखना, जो इस मूल भाव को समझ गया, समझना वो पूरा प्रशासन समझ गया, वो भारतीय राजनीति समझ गया, वो राजनीतिक विचारधाराएं समझ गया, सब कुछ समझ गया, यूं समझ के चलिए। बोले बताइए। बोले जो भारत के अंदर काम अभी चल रहा है वो मूल अधिकार है, भविष्य में जो होगा वो नीति निदेशक है। बोले ठीक बात है, तो फिर एक बात बताओ कब होगा? बोले जब हमारे पास में पैसा होगा। बोले अच्छा, तो बोले एक बात बताओ, एक प्रकार से तो आप कह ये रहे हो कि जो मूल अधिकार आज हैं वो, मतलब सॉरी, जो नीति निदेशक तत्व आज हैं वो आने वाले समय में मूल अधिकार बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपने उनको दे दिया तो मूल अधिकार बन जाएंगे। बोलिए यस और नो, पहले इस बात को समझाइए। क्योंकि देखिए, बस की सवारी आप करने निकल रहे थे, बस की सवारी आप करने निकल रहे थे, आपको आश्वासन के रूप पर तुरंत जो दिया गया वो तो उस समय की सुविधाएं हो गई, है ना। लेकिन एक सुविधा ये थी कि जो भविष्य में दी जाएगी, भविष्य में दी जाएगी, और वो आपको मिलेगी जरूर। ये पता नहीं कि कब मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, ये पता है आपको मिलती है, आपके बच्चों को मिलती है, आगे मिलेगी, कब मिलेगी ये मिलेगी जरूर। ये जो मिलेगी जरूर वाली बात है ना साथियों, ये नीति निदेशक तत्व है, लेकिन जिस दिन मिल जाएगी, जिस दिन मिल जाएगी उस दिन ये मूल अधिकार बन जाएगी।
और देखिए बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ गए कि भैया यही है आर्टिकल 21A, यही है आर्टिकल 21A जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, वो असल में पहले नीति निदेशक तत्व था। बोलिए, जो हमें आर्टिकल 21A दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार, वो पहले नीति निदेशक तत्व था, आज उसे उठा करके कहां ले आए, मूल अधिकार में। अर्थात अगर कोई इस बात को पकड़ गया, अब ये देखिए एक बहुत अच्छे विद्यार्थी ने लाइन भी लिख दी है, मिस्टीरियस पर्सन है, इन्होंने लिखा है मतलब जो भविष्य के लिए है उसे ही आज नीति निदेशक तत्व कहा गया। एग्जैक्टली मैं तो इवन ये कहना चाहूंगा कि नीति निदेशक तत्व भविष्य के मूल अधिकार है, आज क्यों नहीं दे दिया फिर मूल अधिकार बना के। मैंने कहा भाई आज हैसियत नहीं है हमारी, आज हैसियत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही समझिए, अपना बचपन याद करिए, अपने बचपन में अपन पेरेंट्स से जिद किया करते थे। शायद आपको याद ना होगा, मेरे छोटे बच्चे हैं ना, मुझे याद है जब बच्चे जिद कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स उन्हें प्रॉमिसेस करते हैं, बेटा चिंता ना करो अगली बार जरूर लेके चलेंगे, है ना। अब जैसे आपको मालूम होगा छोटी बच्ची का जन्मदिन मनाने में कहीं ले गया उसको, अब बड़ी का था कि भाई अभी जब मेरा जन्मदिन आएगा पापा मुझे भी कहीं लेके जाएंगे, प्रॉमिसेस थे लेके जाएंगे। लेकिन प्रॉमिसेस का क्या है, वो तो सुविधाओं पर निर्भर करती हैं, उस समय चीजें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो ये आश्वासन थे, अगर परिस्थितियां रही तो पूरे हो जाएंगे, अर्थात मूल अधिकार नहीं है, पूरे हो जाएंगे। तो आपको ये समझना होगा, हमारा बचपन में जब पेरेंट्स हमसे वादे किया करते थे, बहुत बार हमसे ये कहा करते थे कि बेटा चिंता ना करो तुम जब 10th बढ़िया से पास कर लोगे ना, बढ़िया तुमको गियर वाली साइकिल दिलाएंगे, अभी तुम छोटी साइकिल से काम चला लो। यानी कि दिला सकते तो वो उस समय ही दिला देते, लेकिन उस समय उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उन्होंने आपको भी एक टारगेट दे दिया और खुद के लिए भी एक टारगेट ले लिया कि 10वीं तक जब ये आएगा तब तक हमारे पास पैसा भी ठीक ठाक हो जाएगा, फिर हम इसको साइकिल दिला देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये हो गया कि DPSPs आर फंडामेंटल राइट्स, लेकिन फ्यूचर वाले। अगर आज उनको फंडामेंटल कर दिया तो भारत के अंदर कई क्रिएटिव लोग ऐसे हैं जो पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और क्या कह के पहुंच जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट महोदय देखिए यह वादा किया था कि सबको रोजगार मिलेगा, कहां है रोजगार? यह वादा किया था कि संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार होगा, कहां है सबका अधिकार? यह कहा गया था कि साहब इक्वल यानी कॉमन सिविल कोर्ट होगी, कहां है कॉमन सिविल कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट पागल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अभी तक उसके पास संसाधनों की व्यवस्था नहीं हुई। फिर आप पूछेंगे, चलिए तो समझ में तो आ गई बात आपकी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है कि सरकार इसी दिशा में कार्य करेगी? ये बात आपको आज हम समझा देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सरकार कोई भी हो चलती केवल उद्देश्य के साथ है। ऐसा नहीं है कि NDA की सरकार आएगी तो कुछ और करेगी, UPA की कुछ और आएगी तो कुछ और करेगी, ऐसा कभी नहीं होता। आपके सामने जीवंत उदाहरण है ट्रंप का और बाइडेन का। ट्रंप का और बाइडेन का उदाहरण है, ट्रंप भी तालिबान को मतलब सीट देके निकल आए, अपनी सेना को वापस बुला लिए, बाइडेन ने भी वही किया, बाइडेन ने भी सेना को वापस आने दिया। ट्रंप ने जिस प्रकार चाइना से दुश्मनी कैरी करी वैसे ही बाइडेन ने कैरी करी। यानी कि कोई भी राज्य नीतियों में तुरंत परिवर्तन नहीं करता है अंटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए, इमरजेंसी हालात ना आ जाए। आ गई बात समझ में? अदरवाइज हर राज्य उसी रास्ते पे चल रहा होता है। ऐसा थोड़ी है कि जब क्या बोलते हैं यूपीए के शासन में आया हुआ मनरेगा था तो एनडीए के शासन में उसे हटा दिया गया, या एनडीए के शासन में जो शुरू हुआ आयुष्मान भारत है इसको भविष्य में हटा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये नीतियां जो होती हैं ये देश की होती हैं, सरकारों की नहीं होती हैं। ये कभी भी किसी सरकार की नीति नहीं होती है, ये देश की नीति होती है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, लेकिन सरकार इन्हीं कामों को जो हमसे वादे किए गए हैं उन्हीं को पूरा करने का प्रयास करेगी, इसकी क्या गारंटी है? तो मेरे प्यारे साथियों, असल में हर सरकार कोई भी नियम बनाए वो सारे नियम इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होंगे। कौन से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कोई भी कानून बने, आज आप लोग सुनते हैं कि भारत के अंदर ट्रिपल तलाक को हटाने की मांग की जा रही है, सरकार मतलब उसके लिए वो लेकर के आ रही है, प्रोविजन लेकर के आ रही है। क्यों? क्योंकि कॉमन सिविल कोर्ट हमारे मेंशन है भाई DPSP में। पंचायती राज व्यवस्था लाई गई क्यों? क्योंकि हमारे आर्टिकल 40 में मेंशन है।
तो सरकारें जो कार्य करेंगी वो कार्य दिशा यही पकड़ के होते हैं, कानून जो बनाए जाते हैं वो इसी दिशा को पकड़ करके होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बस सरकार का उद्देश्य यह है कि कैसे भी करके इसे हम लोग मूल अधिकार में बनाने से पहले पहले शक्ति संपन्न हो जाएं, इतना संपन्न हो जाएं कि सारे कलेशों से निपट पाएं, कोई कोई हमारी शिकायत करे तो हम उससे झगड़ पाएं, क्योंकि दुनिया में काम के साथ में टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं। इसलिए सरकार पहले केवल कानून बनाती है, फिर कानून बनाने के बाद उसे फिर बाद में संवैधानिकता दिलाने का प्रयास करती है। तो फिलहाल के रूप में आज अगर हम बात करते हैं तो ट्रिपल तलाक को हटाने के लिए कानून लाया गया है, उसे अभी तक किसी प्रकार का अमली जामा यानी संवैधानिक दर्जा देकर के मूल अधिकार नहीं बनाया गया है। जिस दिन सरकार आश्वस्त हो जाएगी कि अब कोई भी दिक्कत नहीं बची है, उस दिन उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पंचायती राज को दिया गया। जैसे पंचायती राज को शुरू करने से पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी CDM शुरू किया गया था, CDM को खूब समय तक चलाया गया, राजस्थान के अंदर भारत की पहली पंचायत का निर्माण हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे चलती रही, जब सारी कमियां बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर उनके मतलब जितने भी मेहता आए, जितने भी सिंह भी फिंग भी आए, सबकी कमेटियों की रिकमेंडेशन देख ली, तब जाकर के ये लग गया कि हाँ अब सारी परेशानियां दूर हो गई, तब पंचायती राज को उठा के संवैधानिक दर्जा दे दिया गया कि अब भाई पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दो, यानी कि ये एक प्रकार से वो संस्था हो जाएगी, अब इसे कोई भी कानून हटा नहीं पाएगा अंटिल अनलेस 368 के तहत इसमें कोई सुधार ना कर दिया जाए। तो हर स्टेट की दिशा कौन तय करता है? तो DPSP करता है। इसीलिए अब इस लाइन का मीनिंग समझते हैं, मीनिंग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब क्या हुआ? किसी भी राज्य के नीति निर्माण के अंदर दिए गए नीति निदेशक तत्व, नीति बोले तो पॉलिसी, निदेशक बोले तो डायरेक्टिव, यानी कि पॉलिसी निर्माण के अंदर जो निर्देश दिए गए हैं वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? नीति निदेशक तत्व हैं। किसके लिए मेरे प्यारे साथियों? राज्य के निर्माण के लिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। आ गई बात समझ में? उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं साथ, सर की फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बनाया पंचायती राज को? बेटा फंडामेंटल राइट आपके राज्य में रहने वाले लोगों का होता है, सरकारों का फंडामेंटल राइट नहीं होता है। पंचायती राज शासन व्यवस्था है, ना कि पंचायती राज किसी एक व्यक्ति का मूल अधिकार। ये शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली का एक स्तर है। सरकारों को मूल अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है, सरकार के मूल अधिकार राज्य वाले जो होते हैं वो नीति निदेशक तत्व हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर? हाँ जी, एक बालक है, हालांकि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसके घर वाले जो हैं वो उसको हमारी क्लास में छोड़ गए। अब बेचारा बहुत रो रहा है, बहुत देर से रो रहा है, हम जाएं, पर उसके घर वाले दे रहे हैं लफा लफा के, खींच करके, जाओगे ना तो पड़ेगा तुम्हारे झपाटा। अब वो बेचारा जबरदस्ती बैठ करके बैठा हुआ है। होता है कई बालक बेचारे दुखियारे होते हैं, घर वाले उनके साथ बेरहम करते हैं, अल्प विकसित होते हैं, मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहीं हो पाता, तो घर वाले की बात भी ये नहीं समझ पाते। हम समझ रहे हैं बालक नवीन तुम्हारी बातें, तुम हो थोड़े से मतलब परेशान प्रकार के प्राणी, लेकिन कोई नहीं बच्चा, घर वालों की बात मान ले, और नहीं भी कर रहा है तो एक काम कर, पोकेमॉन खोल ले अपनी बगल में, ना जहां तेरे क्लास चल रही है उसकी बगल में पोकेमॉन खोल ले बेटा, है ना। हाँ वो देख ले थोड़ा सा, हाँ चल डोरेमोन देख ले, वो देख ले बेटा, है ना। अभी तेरी उम्र बेटा वो कंची गोली खेलने की, तू यहाँ आ गया, DPSP कहाँ समझ में आएगा तेरे, अब तू बड़ा हो जा, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई कि DPSP क्या है। अच्छा अब देखो, यहां से एक तथ्य और निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि सर एक बात बताइए, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि राज्य सरकारें जब नीति निदेशक तत्वों की बात करने निकलती है तो केसबाजी हो जाती है। मतलब क्या है? सरकारों के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं साथियों, हम लोग आपके सामने कुछ आर्टिकल्स के सामने, देखिए ये सारी की सारी बातें हैं, किसने क्या किया, और बहुत ही प्यारा आपके सामने इसका नोट्स भी दिया जाएगा, उसकी भी आप चिंता ना करें। अब एक बार के लिए आप यहां पर एक टाइटल देखिएगा, इधर देखिए ना मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक टाइटल देखिए, यहां पर राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। ये अल्टीमेट पॉइंट है, मैं कह रहा हूं अगर कोई आर्टिकल नंबर 39 को ही फॉलो कर ले जाए ना भाई साहब, आर्टिकल 39 को पूरा करने ले जाए तो हमारे देश की आधी समस्याएं तो दूर हो जाए।
फिर आप पूछो कि सर कैसे, क्या है कहानी इसके अंतर्गत, अभी मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों यहां पर, अच्छा थोड़ा सा मैं इससे पहले वाले आर्टिकल भी बता देता हूं, आर्टिकल नंबर 36, जिसमें आपको मैं एक लाइन बताना चाहूंगा, पहले उसे समझिए फिर मैं सारी बातें आपको बताता चलूंगा। साथियों आर्टिकल नंबर 36 वही कहता है जो आर्टिकल नंबर 12 कहता है, अर्थात आर्टिकल नंबर 36 कहता है कि भारत में राज्य की परिभाषा क्या होगी। एग्जैक्टली भारत में आर्टिकल नंबर 12 भी वही कहता है, राज्य की परिभाषा क्या होगी। और राज्य की परिभाषा मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा फिर आप एक सवाल पूछेंगे कि सर राज्य की परिभाषा तो हमें पता चल गई जिसमें सरकारी पैसा लगा हो, लेकिन सर राज्य से कुछ उम्मीदें की जाती हैं, उन उम्मीदों में क्या क्या चीजें शामिल हैं। मैंने कहा सारी बातें बताएंगे, लेकिन चीजों को पढ़ें उससे पहले आपको मैं एक शुरुआती क्लासिफिकेशन समझाना चाहूंगा। क्या है वो क्लासिफिकेशन? राज्य के नीति निदेशक तत्व तीन प्रकार की विचारधाराओं में बांट दिए जाते हैं, तीन प्रकार की विचारधाराओं में, कौन कौन से? सामाजिक विचारधारा, गांधीयन विचारधारा और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आप में से अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो इन विचारधाराओं को याद करने में लगे रहते हैं, जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन कौन से होंगे तो उन्हें रटने में लगे रहे, फिर उसके बाद में गांधीवादी प्रिंसिपल कौन से हुए उन्हें रटने में लगे रहे, फिर लिबरल कौन से हुए उन्हें रटने में लगे रहे। मैं आप लोगों को आज ये समझाने का प्रयास करूंगा कि इन आर्टिकल्स को रटने से ज्यादा हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कैसे समझना है आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों इधर सुनिएगा और बहुत ही अल्टीमेट तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तीनों पहले विचारधाराएं समझते हैं, और यहां पर विचारधाराओं को जब हम समझ लेंगे तो आर्टिकल अपने आप हमारे दिमाग में चले आएंगे। क्लियर? अच्छा तीनों विचारधाराओं को पहले हम समझ लेते हैं, जब हमको यह समझ में आ जाएगा उसके बाद में हमें, हां क्लियर, हाँ भाई पहले हम लोग पहले विचारधाराओं को समझ लेते हैं, जब हमको विचारधाराएं समझ में आ जाएंगी तब हम आर्टिकल्स को एक एक करके याद करना शुरू कर देंगे। ठीक है चलिए पहले विचारधारा की बात कर लेते हैं। साथियों सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक विचारधारा बताई, दैट इज समाजवादी विचारधारा। समाजवादी क्या होती है विचारधारा, यदि आपको याद हो तो जब मैंने आपको शुरुआत में प्रियम्बल पढ़ाया था, हाँ अब इसने एक सवाल पूछा और पता है हम क्या करेंगे, मजेदार बात, नवीन ने पहले अपना ध्यान खींचा अपनी तरफ कमेंट लिख लिख करके, फिर उसने समझदारी भरा एक सवाल पूछा, उसको लगा कि भाई साहब अब तो उसकी तरफ ध्यान आ चुका है तो सब सर का सवाल दें। पता है नवीन तुम्हें हम गिल्ट में अब छोड़ते हैं, गिल्ट में तुम जियोगे कैसे कि तुम्हारा सवाल हम लेंगे ही नहीं, आज भी नहीं लेंगे कल भी नहीं लेंगे, ताकि तुम इस प्रकार की गुस्ताखियों से बचो। और पता है मजेदार चीज, हम तुम्हें बाइज्जत तरीके से बैन भी कर रहे हैं, ये लो बेटा मस्त रहो ताकि तुम्हें भी थोड़ी फीलिंग आए कि तुमने कितनी मस्ती करी आज, है ना। चलो बेटा तुम्हारी ट्रिक हम पर चालू नहीं हो पाई, अब हमने भी पूरा मजा ले लिया है, आ जाओ। तो भाई मुद्दा क्या है, सोशलिस्ट गांधीयन और लिबरल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। साथियों समाजवादी विचारधारा को मैंने आपको एक बार ध्यान से समझाया था, मैंने आपको बताया था साम्यवाद और पूंजीवाद इन दोनों का मिश्रण है समाजवाद। अर्थात समाजवाद को अगर मैं सरल रूप से कहूं तो पूंजीवादियों से धन लो और साम्यवादी तरीके से सरकार को काम करने दो, तो समाजवाद की स्थापना हो जाती है। आपको मैंने घर का उदाहरण भी दिया था अगर आपको याद हो, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं शुरुआती क्लास पॉलिटी की देख लें, वहां पर आपको समझ में भी आ जाएगा क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा था कि समाजवाद की जब स्थापना की गई, पहले तीनों प्रिंसिपल समझ लो, जब ये तीनों प्रिंसिपल समझ में आ जाएंगे ना तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी, और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, रिहर्सल करके दिखाऊंगा, मैं आपको आर्टिकल बोलूंगा आप खुद बता देंगे कि ये लिबरल है, फिर मैं आपको आर्टिकल बोलूंगा आप खुद कह देंगे अच्छा ये तो सर वो है गांधीयन है, फिर आप कह देंगे सर ये तो सोशल है, आप कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा विचारधाराओं को समझ लेते हैं हल्का हल्का सा। याद है मैंने आपको कहा था कि एक घर है, उस घर के अंदर टीवी लगी है, घर के अंदर बच्चे बूढ़े सब बैठे हुए हैं, किचन के अंदर सामान भरा हुआ है, मैडम ने खाना बनाया, मैडम गई और खाना बना करके ले आई, मैडम अगर खुद बना करके खुद से खा ली तो ये पूंजीवादी विचारधारा है, मैडम खुद बना करके खाना लेकर के आई और सबको बराबर बांट दिया तो ये साम्यवादी विचारधारा है। याद है किचन थ्योरी, अगर याद हो मैडम ने खुद बनाया खुद खा लिया पूंजीवादी विचारधारा, अगर मैडम ने खुद बनाया सब में बांट दिया साम्यवादी विचारधारा, और अगर मैडम से सरकार ने कट ले लिया कि मैडम जी 20% हिस्सा आपके भोजन का यहां दे जाओ बाकी बढ़िया से अपना भोजन खाओ,
बोले तो बोले ये जो 20% आप भोजन लेके जाओगी ना, छोड़ के जाओगी, इसे हम इनमें बांट देंगे, जो बच्चे हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते या फिर जो आश्रित हैं, जो भोजन के लिए किसी पर डिपेंडेंट हैं, उन्हें हम आपका ये वाला हिस्सा बांट देंगे। ये कौन सी विचारधारा है? समाजवादी विचारधारा। तो समाजवादी विचारधारा में क्या किया जाता है? समाज का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि समाज अकेली मैडम जी से मिलकर के नहीं बना है। मैडम जी के अलावा समाज के अंदर बहुत सारे वर्ग हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, है ना, समाज के बहुत सारे वर्ग हैं, बूढ़े भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, सब प्रकार के लोग हैं समाजवादी विचारधारा के अंदर। आ गई बात समझ में? तो जब समाज में इतने प्रकार के लोग हैं तो उनके बीच में सरकार का कार्य क्या है? तो हमें समझ में आया कि सरकार सबका ध्यान रख रही है समाजवादी विचारधारा के अंदर। क्या इसका और कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका सबसे अच्छा अल्टरनेटिव तो साम्यवाद था, जिसमें यह था कि पूरा की पूरा मैडम जी का 20% ही क्यों, 100% खाना जो है सब में बांट दिया जाए। लेकिन उसकी मुसीबत यह थी कि मैडम जी अगली बार अच्छा खाना नहीं बनाती। वो ये सोचती कि मैं क्यों करूं जब सब में ही बंटना है, जिसको बनाए वो खाए। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जिनके पास टैलेंट है, यानी कि जो देश का टैलेंट है, उसे बरकरार बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? संसाधनों का समान बंटवारे के स्थान पर संसाधनों का उपयोग करने के लिए बुद्धिजीवियों को स्थान दिया जाता है और उनके पास से सामान को सरकार के द्वारा अन्य में बांट दिया जाता है। हाँ भाई, अविप्सा चक्रवर्ती लिख रही हैं, सर प्लीज टेल इंग्लिश टर्म टू। बेटा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन ये कोर्स बेटा मैंने है ना, मतलब क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम के लिए ही बनाया है। इंग्लिश में मैं कंटेंट देता हूँ, बाइलैंग्वल में कंटेंट दे रहा हूँ, अधिकांश चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप भी कॉपरेट कर लो, फिर भी मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए चीजें समझाने का अधिकतम प्रयास करूंगा। बेटा सरकार बोले तो गवर्नमेंट और समाजवाद बोले तो सोशलिस्ट, ठीक है ना। तीन प्रकार की विचारधाराएं थी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। अगर मैडम जी खुद बना के खाना खा रही थी, दैट इज कैपिटलिज्म। अगर मैडम जी ने पूरा खाना सब में बराबर बांट दिया, दैट इज कम्युनिज्म। और मैडम जी ने 20% अपना कट सरकार को एज ए टैक्स दे दिया, दैट इज सोशलिज्म। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे की बात सुनते हैं साथियों। अब जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे मन में सवाल बना कि सर इसका मतलब सरकार अब केवल टैक्स के ऊपर व्यवहार नहीं करेगी, सरकार को तो सारी बातें ये करनी है कि किस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा, सरकार को किस प्रकार से सभी लोगों को सब चीजें बराबर मिल जाएं, क्योंकि केवल खाने भर से काम थोड़ी चलता है, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं चाहिए। तो भाई ऐसी स्थिति में तो फिर आगे आने वाले समय पर लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटी भी बराबर चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहले सरकार से अपेक्षा ये करनी है कि भाई ऐसे आर्टिकल बनाए जाएं जिससे लोगों में चीजें बराबर बटें। आइए अब एक बार के लिए हम इसी विचारधारा के आधार पर आर्टिकल पढ़ते हैं जो समाजवादी विचारधारा के अंदर है, और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में इनसे समाजवाद आएगा। अगर ऐसा है तो हमारी सारी बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। एक बार समझते हैं साथियों, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 38 कहता है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। सरकार को लोक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। हाँ भाई, क्या इसमें कहीं से भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोगों को मतलब पूंजीवादियों को प्रमोट करना चाहिए, या फिर इसमें कहीं से भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई ये साम्यवाद को प्रमोट करना चाहिए? साफ साफ लग रहा है कि सर आप कहना चाह रहे हो लोक कल्याण, लोक के अंदर सब आते हैं, समाज का कल्याण नाम से ही पता चल रहा है सर। अच्छा दूसरी बात सुनिए, द स्टेट टू मिनिमाइज, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अल्टीमेट लाइन है, जो इसकी गहराई समझ गया उसको आनंद आ जाएगा। स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम। देखिए आप में से कईयों को जिस प्रकार कवि संगठनों में, कवि सम्मेलनों में आनंद आता है ना, बुद्धिजीवियों को पढ़ाई के अंदर ऐसा ही आनंद आता है, क्योंकि शब्दों का गेम होता है सारा की सारा, और आपको भी यही मजा आएगा। देखिए इधर, स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, ये नहीं कहा गया है, स्टेट टू मतलब क्या कहते हैं ना, कैंसिल और अबॉलिश, ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा है। सरकार से यह उम्मीद नहीं की गई है कि वो खत्म कर दे, तो क्या लिखा है, कम कर दो, कम से कम करने का प्रयास करो असमानता। यानी कि हमारे उद्देश्यों में ही नहीं है कि हम असमानता खत्म करें,
यानी कि कभी भी देश से अपेक्षा मत रखना कि असमानता खत्म होगी। आ गई बात समझ में? आज आप जो ये नियम पढ़ते हो ना कि भारत के अंदर 90% संसाधनों पर 10% लोगों का हक है, भाई हमारे नीति निदेशक तत्व में संविधान निर्माताओं ने यह हक दिया है। बस सरकारें प्रयास ये कर सकती हैं कि उन लोगों का अपलिफ्टमेंट थोड़ा ठीक ठाक तरीके से करें। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्टेटस मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। कैसे? आज आप गांव में चले जाइए, गांव में भी इंटरनेट की सुविधा है। अब आप पूछेंगे सर इंटरनेट तो मेरे पास भी है। बिल्कुल सही है, अनअकैडमी वाले कहते हैं मेरे पास भी है, इंफोसिस वाले कहते हैं हमारे पास भी है। तो भैया देख लो, इंफोसिस जो भारत की टॉप 3 कंपनी में आती है उसके पास भी इंटरनेट है, और एक गांव देहात में जहां केवल पंचायत के अंदर एक बल्ब जल रहा है, जो आपने एक वेब सीरीज भी आई थी अगर आपने देखी हो अमेजन पे, तो जिसमें जीतू भैया हमारे अलवर वाले एक्टिंग कर रहे हैं, उसमें भी उनके पास इंटरनेट था। तो इंटरनेट तो भैया वहां भी था और इंफोसिस के ऑफिस में भी था। ये लीजिए, यानी कि आपको इनइक्वालिटी खत्म करनी है ना, इंटरनेट पहुंचा दिया, और भारत के अंदर तो चल ही रहा है ऑप्टिकल फाइबर नेशनल मिशन, पहुंचाएंगे सबके पास में। बोलिए क्या आपको? अब बात आती है स्पीड की, स्पीड की इक्वालिटी की बात ही नहीं की है आपके सामने, अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज की बात है। हम इनइक्वालिटी को कम करने का प्रयास करेंगे। बोलिए, अरे फीलिंग आ रही है कि नहीं, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉइंट को समझिए। अब तक रट्टे मारे हैं, रट्टे मारने वाली चीज मुझसे नहीं हो पाएगी, ल्यूसेंट उठाना, एग्जाम टाइम में गोटा मार लेना, ये चीज वो है जिससे भविष्य में जब एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे देश के सभ्य समाज के नागरिक बन जाओगे, तब मुझे याद करोगे कि हाँ किसी व्यक्ति ने कभी पढ़ा दिया था 5,000 में इतना नॉलेज जो 50,000 में नहीं इकट्ठा कर पाते, समझे? चलिए, हाँ जी, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों, ये वाली जो पॉइंट मैंने आपको बताई, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि स्टेट को मिनिमाइज करना चाहिए, क्या क्या? इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी बोले तो आज एक शहर का व्यक्ति, या फिर मैं मेरी बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया मेरे पास नौकरी है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, शाबाश, अच्छी बात है। एक गांव का व्यक्ति कह रहा है मेरे पास ये नौकरी है, मैं भी रोज नौकरी पे जाता हूं। बोले कौन सी नौकरी भाई तेरे पास? बोले मनरेगा में मजदूरी मिली हुई है, मैं नौकरी करता हूं बढ़िया से, बकायदा अकाउंट में पैसा आता है। मैंने कहा मेरे भी आता है अकाउंट? बोले मेरे भी अकाउंट में ही आता है। मैंने कहा मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है? बोले मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है भाई। बोले यार बहुत सही है, मैं बैंक में जाकर के डिडक्शन कर सकता हूं? बोले भाई मैं भी कर सकता हूं। मैंने कहा भाई मेरे पास में मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस, बढ़िया कंपनी का। बोले पागल हो रखा है, मेरे पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं भी बीमा की रकम चुकाता हूं आयुष्मान भारत के तहत। मैंने कहा भाई बहुत सही है। मैंने कहा यार मैं बढ़िया दाल रोटी खाता हूँ खरीद करके। बोले पागल हो रहा है, मैं भी दाल रोटी खाता हूँ, मैं भी गेहूं लेता हूँ, मैं भी दाल लेता हूँ, सारे काम करता हूँ। मैंने कहा यार बहुत सही है। मैंने कहा कल को भगवान ना करे कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वालों को पैसा मिलेगा। बोले पागल तो तू हो रहा है, मेरे को भी कुछ हो जाए तो मुझे भी प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत मेरे घर वालों को पैसा मिलेगा, और बोल क्या चाहिए तेरे को? मैंने कहा हाँ यार, या तो कहीं से भी बराबर नहीं हो रहा। मैंने कहा यार मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे करा रखा है कि मैं कहीं भी जाऊंगा अपना इलाज फ्री में करवा सकता हूं, जांच फ्री में कर सकता हूं, दवा फ्री में ले लेता हूं। अरे भाई सुन, मेरे पास तो ये सुविधा भी है कि मैं जाऊंगा तो 7 दिन पहले का और 15 दिन बाद तक का सरकार पैसा देती है, और बोल। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़वा सकता हूं। बोले भाई तू जिस स्कूल में पढ़वाएगा ना, तेरे यहां प्राइवेट मास्टर पढ़ाने आएंगे जो सरकारी एग्जाम पास नहीं कर पाए, मेरे बच्चे तो वहां जाके पढ़ेंगे जहां सरकारी एग्जाम दे करके बढ़िया एग्जाम में रैंक लेकर के जो टीचर पास हुए हैं वो टीचर पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, वो भी फ्री में, दोनों टाइम का खाना और देके भेजेंगे, दूध पिलाते साथ में, गारंटी और है, फेल नहीं करेंगे। यार ये तो गजब ही हो गया, फ्री एजुकेशन। बोले हाँ और बता। मैंने कहा बेटा मेरे बच्चे जो है ना, वो छोटी बच्ची है ना मेरी, वो अभी वहां जाती है, क्या बोलते हैं, प्ले ग्राउंड में, प्ले ग्रुप में खेलने जाती है। बोले भाई सुन, तेरी बच्ची खेलने जाती है, मेरा बच्चा भी आंगनबाड़ी में खेलने जाता है, और बढ़िया उसको पैसा मिलता है वहां पे, खाने का बढ़िया दलिया मिलता है, मैडम जी उसको झूला झुलाती है, बढ़िया खिलौने रखे हुए हैं। और तो सुन लो भैया, तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं कैसे उठ उठ करके लोग चले आते होंगे, 2-4 लोग गरीब गरीब इकट्ठे हुए और तुम्हारे लिए स्कूल खोल दी, हमारे तो एकदम टॉप लेवल के जो सिलेक्टेड अधिकारी हैं उनके द्वारा बकायदा उस पूरे की पूरे भोजन का पूरा पूरा मुआयना किया जाता है कि मेरे बच्चों को जो चीज मिल रही है वो कैसी है।
भाई साहब मैंने कहा यार मैं मेरी वाइफ अगर जॉब पे जाए ना तो जॉब पे जहाँ जाएगी उस पर वहाँ पे उसके बच्चों को रखने के लिए पूरी क्रेच की सुविधा होगी, वहाँ बच्चे खेल सकेंगे। बोले भैया सुन, मैं जब नौकरी पे जाता हूँ ना अपनी वाइफ को लेकर के, तो आंगनबाड़ी वाली मैडम तो दिन में संभालती है बच्चे, और दोपहर बाद मेरे वहां पे क्रैच की सुविधा है, वहां पे संभालने के लिए अलग नौकरी बच्चों को। और वो यार सारा ही सही है फिर तो भाई साहब, फिर तो बात ही क्या करनी। मैंने कहा भाई मैं बढ़िया बस में बैठ के जाता हूँ, बढ़िया पैसे लेता हूँ, बढ़िया सब कुछ है। बोले सुन भाई बात ऐसी है, सरकार ने हमारे लिए सरकारी बसें त्योहारों पे तो फ्री कर रखी है, बाकी हमको कहीं जाना नहीं। मैंने कहा भाई समझ गया मैं, अब सब समझ गया मैं, यानी कि समझ में आ गया सरकार ने क्या क्या कर रखा है, मिनिमाइज इनइक्वालिटी हो गया समाजवाद, खेला हो गया। मजा आ गया कि नहीं आया? ये है समाजवाद, इनइक्वालिटीज का अंत। अब आपको लेवल पता करना है, उसकी बहस कोई नहीं कर रहा है, उसकी कोई बहस नहीं कर रहा है कि लेवल क्या है, लेवल ऊपर है कि नीचे है, वो सब साइड में हटाओ यार। आपकी सुविधाओं में कितना अंतर है, आज कटिंग कराने आप 10 रुपए में भी सड़क किनारे बैठ सकते हैं और 10,000 में भी कटिंग कराने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपके पास पैसा ज्यादा है आप कुछ भी करो ना यार, आप बिस्किट पार्ले जी का खाते हो कि सोने का, ये तो आपकी हैसियत के ऊपर है, बिस्किट खाना है ना, बात बिस्किट की, सरकार ने उतना काम कर दिया। आ गई बात समझ में? आ गई सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये समाजवादी प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया। अच्छा आगे चलते हैं साथियों, आर्टिकल नंबर 39 की बात सुनते हैं। अब इसमें सुनते हैं, राइट टू एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजंस। भाई सबके लिए आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए, तो कोई बात नहीं, आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए, समाजवादी विचारधारा है। और क्या चाहिए? आर्टिकल 39। मैं कह रहा हूं जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 21 को कहा था ना कि सब हटा लो और आर्टिकल 21 दे दो, मैं कह रहा हूं आर्टिकल 38 और 39 लगा दो, भारत के अंदर सारी चीजें खत्म, मतलब कोई और चीज की जरूरत ही नहीं है, आर्टिकल 38 39 लगा दो। बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा आ जाओ देख लेते हैं। मैंने कहा इनइक्वालिटी तो मैंने खत्म करवाई थी, फिर भी आप सुनते चलो, आओ मैं बताता हूं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, मतलब क्या हुआ? समाज कल्याण के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण। अब भौतिक संसाधन क्या है? बोले सर ऐसा थोड़ी होता है कि आपके घर में 10 AC लगे हुए हैं तो पड़ोसी को भी आप 2 दे दोगे, सरकार ऐसा करेगी क्या? मैंने कहा भाई सरकार को जिस दिन लग गया ना कि ये भी भौतिक सुविधा का जो साधन है ये जरूरी है, सरकार ऐसा भी कर लेगी, करती है। सरकार को जब पहली बार देश आजाद हुआ 1947 में लग गया था, क्या लग गया था कि बेटा इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं इनमें से अधिकांशों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जमीन पर कब्जा किया हुआ है, गरीब को तो इन्होंने यानी कि किसान को तो इन्होंने बंधुआ मजदूर बना रखा है, जमीन तो यही लोग लेके बैठे हुए हैं, जमींदार लोग। तो सरकार ने भैया तुरंत पहला संविधान संशोधन किया, अनुसूची 9 बनाई और भैया जमींदारी उन्मूलन एक्ट ले आई देश के आजाद होते ही, और उसके अंतर्गत जितना भी अतिरिक्त जमीन था किसी के पास 100 बीघा, किसी के पास 1,000 बीघा, भैया हमारे गांव में हमारे पास हमारे परिवार के पास कम से कम 1,500 बीघा जमीन थी जिसमें सिंचाई हो सकती थी, खेती हो सकती थी। और ये मैं ही नहीं हूं, आपके गांव में भी आपके घर में भी शायद ऐसा रहा होगा कि ऑन एन एवरेज 400-500 बीघा आपके नहीं तो आपके किसी पड़ोसी की जमीन रही होगी, ऐसा बहुत कॉमन था। सरकार आई, सरकार आई और सरकार ने उठाई सबकी जमीनें और ले लेकर के गांव में जो जिस जमीन को खोद रहा था या जिसमें मजदूरी कर रहा था उसी के नाम चढ़ा दी कि ले बेटा तेरी जमीन हो गई अभी। समझ पा रहे हैं आप? अर्थात भौतिक संसाधनों का वर्गीकरण कर दिया सरकार ने, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, सब में बटेगा। जमीन बांटी गई कि नहीं बांटी गई? नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब धन की एकाग्रता और उत्पादन के साधनों का एकीकरण रोका जाए। क्यों भाई? ये समाजवादी कैसे हो सकता है? ये समाजवादी कैसे हो सकता है? अरे सर एक बात बताइए, आपके पास धन है और आपके पास उत्पादन के साधन है, आपने उनका एकीकरण कर लिया, संग्रहण कर लिया, सरकार क्या आकर के आपको ठोकती नहीं है क्या? आपने सुना नहीं क्या, जो भी व्यक्ति एकत्रीकरण कर लेता है, किसी भी चीज की कालाबाजारी करता है, स्टॉक बना के अपने पास रख लेता है, सरकारी अधिकारी आता है 2 मिनट में डंडा मारता है, पूरा स्टॉक क्लियर, बोले बांटो सब में, खोल दो। यानी कि आप एकीकरण किसी भी चीज का, और तो और आपने अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च भी कर ली ना तो भी आप उसके ऊपर केवल कब्जा करके अकेले नहीं बैठ सकते।
अगर आपको लगता है कि मैंने तो साहब कोरोना की ऐसी वैक्सीन बना ली जो रामबाण है, लेकिन मैं अपनों ही अपनों को दूंगा, बेटा दूसरे दिन तुम जो हो ना कला सलाखों के पीछे खड़े रहोगे, क्योंकि भारत का मूल, भारत के अंदर राज्य सरकारों के मतलब सरकारों को यह आदेश है डीपीएसपी के थ्रू कि उन्हें इस दिशा में काम करना है कि वो मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को किसी एक के पास रुकने नहीं देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक इसी प्रकार से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमन, महिलाओं और पुरुषों को काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। अगर मैडम 8 घंटे पढ़ा रही हैं और सर अगर 8 घंटे पढ़ा रहे हैं तो दोनों की तनख्वाहें बराबर हो, ये समाजवाद के अंदर ही तो हो सकता है। सब समाजवाद का मतलब समाज के अंदर जब कोई डिफरेंसेस ना हो, सबके बराबर हित की बात करें, तभी तो ये समाजवादी प्रिंसिपल है। और जहां जहां ऐसा नहीं है वहां पर करने का प्रयास जारी है, क्योंकि स्टेट से कहा गया है कि वो ऐसा इंश्योर करे कि भविष्य में ऐसा हो जाए। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, ऐसे व्यवहार करना या ऐसे कार्य करना जिसकी वजह से श्रमिकों और बच्चों के खिलाफ हो रहे जबरन दुर्व्यवहार को रोका जा सके, उनको हजारडस होटल्स में, हजारडस इंडस्ट्रीज में काम करने से रोका जा सके। अगेन बच्चों के हितों की बात हो रही है समाज के अंदर। मैंने आपको इस उदाहरण से समझाया था, कहा गया मेरा उदाहरण ये रहा कि इस समाज के अंदर बच्चे भी होते हैं, बच्चों के हितों का भी राग ध्यान रखे तो मेरे प्यारे साथियों वो सब क्या है, वो सब कार्य किसके अंतर्गत आता है, बच्चों के लिए। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे कि सर महिलाओं के लिए ऐसी सुविधा है क्या सरकार? अरे भैया महिलाओं के लिए जो प्रसव के समय आर्टिकल 42 अलग से बनाया गया कि जब महिला प्रेग्नेंट है उस समय भी उसे रोजगार दिया जाएगा, तनखा में कटौती नहीं की जा सकती, उसे पे विद लीव दी जाएगी, है ना, और आर्टिकल 42 बकायदा इस चीज के लिए बनाया गया। आई बात समझ में? मैटरनिटी लीव के नाम से टू अपॉर्चुनिटीज ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे, ऐसी सुविधाएं संसाधन विकसित की जाएंगी जिससे कि बच्चों का एक हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। बताइए साथियों, क्या आप लोगों को सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर और कुछ याद रहे या ना रहे? केवल इतना याद रह गया कि कोई आर्टिकल मैं आपको बताऊं और आप ये पहचान जाएं कि हां सर ये तो बात समाजवादी बातों की हो रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैंने मैटरनिटी रिलीफ की बात बोली तो देखिए ये आर्टिकल नंबर 42 जो है ना ये रहा, आपको बातों से ही पता चल गया कि सर हां ये तो आपकी बातों से लग रहा है कि ये समाजवादी होगा। फिलहाल के लिए यही रोकना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे कल, ठीक है? तो उम्मीद है कि आज थोड़ा थोड़ा फील आया होगा कि क्या चीज है इसके अंतर्गत। डीपीएसपी को पढ़ेंगे, 2 दिन के अंदर होपफुली प्रयास करेंगे खत्म हो जाए, नहीं तो 1 दिन और लगा देंगे। हाँ जी, समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ज्योग्राफी में डाउट सॉल्व कर दो प्लीज, मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ वीडियो। बेडलैंड और सीएनएल रिवाइंस क्या है सर मेरे? बेटा ऐसा काजल संभव नहीं है, क्योंकि मेरे जो कोर्सेज हैं अगर मैंने आपके आज डाउट बता दिए तो मुसीबत ये फंस जाएगी बेटा, क्योंकि मेरी क्लास में हर दिन एक नया बच्चा आता है तो मैं कब तो पढ़ाऊंगा और कब आगे बढ़ूंगा? केवल आप इतना कर सकती हो जितना अभी समझ में आ गया अच्छा है, अदरवाइज फिर से ये सर्कल घूम करके वापस वहीं आएगा, तब क्लियर हो जाना है ना, क्योंकि ये माफी चाहूंगा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, अभी केवल आप उनको समझ सकती हैं, है ना। लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में आनंद आने लग गया है। अक्षय धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। टेलीग्राम लिंक पिन कर दूं? हाँ लीजिए। ओम प्रकाश, उसके लिए और बुक फॉलो करनी पड़ती हैं। टैक्स लगा है ना? बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल लगा है। देवाशीष थैंक यू बेटा। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको बता दूं कि ये सारा कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा, बगल में 3 बिंदियां दी हुई हैं उनको दे दीजिए, दबा दीजिए, पूरा कंटेंट वहां से डाउनलोड हो जाएगा। जय श्री सेन थैंक यू भैया। हाँ अमित कुमार दास सही कह रहे हो, काश ऐसा हो जाए।
नंदिनी लिख रही है पॉलिटिकल तो मुझे कॉलेज में भी समझ में नहीं आई, यहाँ समझ में आ रही है। एक विद्यार्थी पद्मश्री दिला रहे हैं, सही है, खास किसी के मुंह में भगवान सरस्वती खुद विराजमान हो जाए, काम ऐसा हो जाए। पूजा थैंक यू सो मच बेटा। ललिता बेटा 21 मई से तो पहले खत्म नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा। आर्टिकल याद करा दूंगा लास्ट में, चिंता मत करो, जब सब खत्म हो जाएगा स्पेशल क्लास लगा के आर्टिकल याद करा दूंगा सारे के सारे, ठीक है, 1% भी चिंता मत करो। और बोलो, ठीक है, चलो परफेक्ट है, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।